आ गया अपना यार शम्मी यार। आप खड़े हैं राजपुरा चौंक तो गगन चौंक कहते हैं इसनों। अज जा रहे हैं अपने घूमन वास्ते, बने रहो वीडियो के नाल। अज का ट्रिप देख रहे किधर जाते हैं, बैग तो सौदा पानी अपने नाल है, टेंट हाउस अपने नाल है, फुल तैयारी है। छम्मी पार्किंग करके आ रहे हैं मोटरसाइकिल की। आ गया मेरा यार छम्मी यार मोटरसाइकिल कैफे रेसर अपना करके पार्किंग है। तो हम चलिए फिर किधर जाना आप? असी पहुँच गए श्री फतेहगढ़ साहब। इतने पवाया असी तेल मोटरसाइकिल से पवा के तेल तो हम अभी बढ़ गए हैं अगे वालू। पहुँच गए बंदा सिंह बहादुर चौंक सामने स्टैचू, तो वह सड़क जाती है श्री ज्योति स्वरूप न जिधर छोटे साहबजाद संस्कार का ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਰੋਡ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਾਟਕ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਗੁੰਬਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਗੁੰਬਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛੱਬੀ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜੰਮੀ ਓਕੇ ਜੀ ਕਰਾ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਸਰ ਪਤਾ ਲਾਵੇ।
ਬਾਹਰ ਨਾ ਡੋਲੀ ਜੀ। रास्ते अगे कराने दर्शन आप पहुंच गए कीरतपुर साहब। ये ब्रिज है जड़ा ये वाला पुल जाता मनाली मनाली रह गया इतों 250 किलोमीटर 249 कुछ आनंदपुर मूहों नीली बस दाल बस जरिए सीधी आनंदपुर साहब नूं आपां इधर नूं ही जाना। तो बाबा बुढ़ा जी का गुरद्वारा भी इसे रोड के उत्ते है, बाबा गुरदित्ता जी का गुरद्वारा भी इसे रोड पर है। तो जिथे चंडीगढ़ रोड यह हैगी जिथे फुल बहाण वगैरह आते हैं वो इस पास वो गड्डी खड़ी है सामने वो गड्डी दे कोल बने हुए फाटक फाटक टप्पण सार बने वा पंतालपुरी पंतालपुरी उसनों कहा जाता जिथे फुल बहाण आते होंगे ने अपने कीरतपुर साहब। तो ये लोकेशन के उत्ते आप खड़े हैं 2 मिनट टैंकियां करा लिया फुल लोकेशन आप ला रखी है फोन पर। तो उन्ना रह गया इतों तकरीबन 60 किलोमीटर तो अपने पहला जाते हैं उन्ना उन्ने के कोल आप दर्शन कराने आनंदपुर साहब आ गए सानू आ गया आनंद वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अगे मिलते खब्बे पासे नूं गड्डियां दा लग्या पिया जाम इत्थे पहुंच गए पीर नगाहा इथों रह गया 1 किलोमीटर आ रास्ते दे विच आपां पहला रुके हैं शमी उपर खड़ गया। ये इत्थे दी जिहड़ा इतिहास वगैरह लिखा होया अपने पाउच करके वीडियो दी तुसी पढ़ सकते हो वीडियो इसकी भी की इतिहास है इत्थे दा। इत्थे वैसे बनाया होया तालाब ये हरनाक्ष जी दा मूँह बना के इहदे विच दी लंघना पैंदा ते उपर दोनों पास उपर मूर्ति बनाई हुई है एक तलाउ तैयार करिया जा रहा इहदे अंदर जिहड़ा इशनान करके अगे फिर पीर की दरगाह के मत्था टेकया जाऊगा उपर न घूम के अगे आप पीर की दरगाह के भी जाके आने। हाँ शमी दो बचना गलबात ओके आ बई हूँ आप पहुँच गए उरे देखते हैं बाकी अंदर जाके माहौल कह जा मंदिर मीना मीनाकारी बड़ी सोहनी करी भी है पानी होंगे हमने पक्का कर रहे हैं ना पहला शायद कच्चा होंगे तो यह पक्का ही होंगे कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा चौड़ा चूड़ा कर मीनाकारी बड़ी सोहनी करी भी उन्होंने बरीकी का कम कर वा जाना उपर जाने
ये सारे जो पानी भरया जाऊगा वो शेर है जोड़ा वो इंज लगेगा जी मैं पानी पी रहा जब पानी भरया जाऊगा ये इतने मूर्ति रखी हुई है बाबा जी की नकासुर यह बनाया हुआ जिन्होंने अद्धा शेर तो अद्धा बंदा बनया से उन्होंने फिर वह पाड़िया से असी पहुंचे हाँ ऊना ऊने तो पीर नगाह पीर नगाहे मैं तो शमी दोनों जने पहुँच गए मोटरसाइकिल करते हुए पार्किंग पार्किंग करके बैग लिया आप चक अपना समान दोनों जन का साडा इको बैग रहा हो कहते जिंदगी सफर का नज़ारा लेना तो समान घट तो घट होना चाहिए सामने बाबा जी की दरगाह है इधर वो रास्ता जाता दुकाना हों हूँ आप चलते हैं अंदर अंदर जिनी की वीडियो अलाउड हुई उन्नी आप दिखाने की कोशिश करा बनती है पूरी तो बाकी जिते मनाही हुई उत्थे आप चढ़ा बने रहो वीडियो के नाल छम्मी कर रहा जोड़िया की सेवा जोड़ा घर के पाप धो रहा अपने सामने मंदिर च जाने का रास्ता यह है पीर नगाह दरबार ये दो रास्ते हैं इधरों आप आए हैं इधरों मोटरसाइकिल कढ़ा के एक रास्ता यहाँ हेठ वाल तो इधरों भी आता रहने वास्ते इतने सरावं बनाई हुई ने दरियां दरियां इधरों मिल जाए बिस्तरा वगैरह लेना जे मथा देख लिए अंदर झूल के निशान रहन जय बालकनाथ जय गुगा माड़ी जय गणेश जी किश्ती बनाई भी है ख्वाजा जी पता नहीं क्या इधर भी किश्ती सच्ची सरकार किश्ती का है भी ध्यान।
जय श्री हनुमान जी। जय इस दुनिया के वो तो छोटा जा बच्चा असि जा रहे हूँ ख्वाजा पीर दे। बाकी छम्मी नूं इत्थे दी ज़्यादा नॉलेज है, पहला भी इत्थे दर्शन करन वास्ते आया होया। आपां ख्वाजे पीर पर जा रहे, उत्थे घोड़े पाओ दी बनाई हुई मूर्ति बाबे एन कैम वधिया दृश्य। बाकी इस बारी कहिंदा शैड शुड नवे पाते, पहला इह शैड दे है नहीं ते रहण दी व्यवस्था वी तड़ा करा घट वध थी। बंदर बैठे आ शैडां दे हुण रात नूं जिन्हें रुकना फैसिलिटियां बहुत करतियां उरे रुकने वास्ते। लो जी आपां पहुंच गए हैं ख्वाजा पीर दरगाह। इत्थे सरोवर सुका पिया, बाकी वैसे इन्होंने अद्धा करके इत्थे सरोवर च पानी पा रखिया। हिस्टरी च आपां ज़्यादा नहीं पढ़ते। इत्थे खड़ा बाबा जी का एक घोड़ा, घोड़े के उपर एक हाथ जहा निकल रहा, अंदर भी मूर्ति बनाई घोड़े का बनाया। चलो भाई इत्थे तक का ब्लॉग है जिहड़ा अपना कंप्लीट हुंदा पूरा। ते ए आपां खड़े हां जिथे है ख्वाजा पीर, ते आले दुआले दी लोकेशन वधिया। वह सामने पीर नगाहा जिहड़ा कि मेन जगह ते अपने आए सी पीर नगाहा। ये गुंबज दिख रहा, यह ख्वाजे की जगह। तो यह उन्ने तो घट्टो घट 8 किलोमीटर साइड के स्पैशल वक्री सड़क जाती है इसकी। तो इस जगह तो हूँ अपने देखते अगे वाले जाने आले दुआले की लोकेशन है जी। 1 नंबर माहौल है इतने आ पीर नगाहे दे अंदर का आखिरी झाका। उस तो बाद हम अभी जा रहे हैं बाहर वाले नूं।